हेलो दोस्तों, मैं आकाश सिंह। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टडी प्लान। माय डियर फ्रेंड, मैं आपके लिए आज जो एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं वो चैप्टर गेज से होने वाले हैं और उसमें सभी गेज से संबंधित मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं और ये वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के स्टूडेंट देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बीच में कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेगा, वीडियो को लास्ट तक देखें और एक बार में क्वेश्चन नहीं याद होता तो वीडियो को बार बार देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर जो जगह खाली दे रखी है, यहाँ पे जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा हमारा टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है। जो टंगस्टन कार्बाइड की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ा दी है, तो ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो है हमारा, दो है, गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है। तो गेजों के द्वारा जो माप ली जाती है वो हमारी थ्रेड की पिच की माप, किसी छिद्र का ब्याज, किसी छेद की चौड़ाई, ये सभी मापें ली जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन है, यहाँ पे अधिक गहराई पर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अधिक गहराई पर मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा होता है टेलीस्कोपिक गेज। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार है, यहाँ पे गेज साइज बढ़ने पर सीट या तार की वास्तविक क्या घटती है, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, इसमें से पूछा गया है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चार का, वो हो जाएगा हमारा लंबाई। दोस्तों यहाँ पे लंबाई नहीं होगा, ये आंसर गलत दे रखा है आंसर सीट में। तो यहाँ पे मोटाई होगा क्योंकि तार की मोटाई चेक की जाती है या सीट की मोटाई चेक की जाती है हमारी, ठीक है। गेज साइज जो हमारा सीट गेज होता है, ठीक है, इसे तार की मोटाई या सीट की मोटाई चेक की जाती है, तो उसके बढ़ने पर तो यही हमारा घटती है, ठीक है। तो क्योंकि लंबाई तो कितना भी लंबा भी तार हो सकता है, लेकिन मोटा या पतला सीमित भर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पाँच है, यहाँ पे गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए धोना चाहिए, जो किसमें धोने के लिए पूछा गया है, तो किसमें धोना चाहिए। तो इसका नंबर हमारा हो जाएगा पाँच का, ऑप्शन बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छः, यहाँ पे गेज का प्रयोग के लिए किया जाता है, जो गेज का प्रयोग किया जाता है वो हमारा अत्यधिक उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात है, यहाँ पे स्लिप गेज प्रयोग करने से पहले उसे साफ करना चाहिए, जो स्लिप गेज से प्रयोग करने से पहले साफ किसमें किया जाता था, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिनन कपड़ा और चौमाइस लेदर से दोनों से किया जाता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आठ है, सीमा स्नैप गेज मतलब होता है लिमिट गेज जो स्नैप गेज होता है का आकार होता है, इसका जो आकार होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यू आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर नौ है, यहाँ पे स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं, जो स्लिप गेज बने होते हैं हमारे वो हमारे क्रोमियम स्टील के बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर क्रोमियम स्टील ना दे रखा तो टूल स्टील भी लगा सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दस, यहाँ पे गेज का कार्य है, जो गेज का कार्य होता है वो हमारा जाँच करना होता है, ठीक है, ना कि मापना होता है, इसमें जाँच करता है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे मीट्रोलॉजी जो लैब होती है उसमें गेजों के रखने का टेम्परेचर होता है, वो हमारा टेम्परेचर कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे प्लग गेज की गो साइड का व्यास बराबर होगा, जो गो साइड का व्यास होता है वो हमारा होल से कम साइज में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोफाइल गेज चेक करता है, जो प्रोफाइल गेज चेक करता है वो हमारा मेल तथा फीमेल दोनों को चेक करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे प्लग गेज जिसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर बने होते हैं, दोस्तों एक ऐसा गेज होता है जिसके गो और नो गो एक ही सिरे पर बने होते हैं, वो हमारा होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे नो गो सिरा कारखंड में प्रवेश करता है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, नहीं करता है, जो हमारा नो गो सिरा होता है वो कारखंड में प्रवेश नहीं करता है, तो वहाँ पे पीस जो हमारा रिजेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे
गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, समान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, बीआईएस के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, उसमें निम्न संख्या में गेज के पीस होते हैं, ठीक है। तो उसमें संख्या पीछे गई, मतलब जो सेट में पीसों की, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 112, ठीक है, 112 हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं, इंस्पेक्शन कार्यों के लिए निम्न ग्रेड प्रयोग होता है। दोस्तों यहाँ पे जो स्लिप गेज होते हैं इसमें ग्रेड होता है, 0 होता है, 0-0 होता है, और 1 भी होता है, 2 भी होता है, ठीक है, 4 टाइप के ग्रेड होते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेड 0। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे, अंतर परिवर्तनीयता जिसे इंटरचेंजबिलिटी बोलते हैं, अर्थात खराब होने पर बदलना निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा गेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे, मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो मास्टर गेज होता है उसको हम रेफरेंस गेज या कंट्रोल गेज इन नामों से भी जान सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे, जॉब साइज वांछित सीमाओं के अंदर है या नहीं है, यह निम्न में से किस गेज द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, लिमिट गेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे, फिक्स टाइप स्टैंप गेज निम्न प्रकार का होता है, जो फिक्स टाइप स्टैंप गेज होता है वो होता है हमारा गो तथा नो गो एक ही ओर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, गमला बनाया जाता है, जो गमला बनाया जाता है हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोफाइल गेज की सहायता से, जो प्रोफाइल गेज की सहायता से बनाया जाता है। यहाँ पे जो गमला लिखा है उसकी इंग्लिश में आप समझेंगे क्वेश्चन सही होता है, कि जो प्रोफार्मा पर अगर बनाए जाते हैं, सांचे बनाए जाते हैं, तो उसी की सहायता से बनाए जाते हैं। तो आंसर नंबर हमारा बी करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शुद्धता सबसे अधिक होती है, जो शुद्धता सबसे अधिक होती है वो हमारी मास्टर गेज में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ, स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। जो स्लिप गेज होते हैं यहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो उसे आपस में रगड़ते हैं जिससे कि उनकी एयर निकल जाए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे, किसी जॉब पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल और जो अवतल रेडियस चेक की जाती है वो रेडियस गेज से चेक की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे रहते हैं, उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 को जो आंसर हो जाएगा हमारा स्क्रू पिच गेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई साइज के ब्लेड लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे, दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा गेज है। तो जो दो गेज होते हैं उनका सम्मिलित रूप है वो हमारा हो जाएगा गैप गेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ, फिलेट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेडियस गेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे, रेडियस गेज के द्वारा कौन सी रेडियस चेक की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल और अवतल दोनों चेक की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वायर गेज। वायर गेज से तार की मोटाई और सीट की मोटाई दोनों चेक की जा सकती हैं, इसे शॉर्टकट में SWG बोलते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे, किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मास्टर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, मैचिंग जो पार्ट्स के बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिलर गेज होता है, जो दो मैचिंग पार्ट के बीच का गैप चेक किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का, सेंटर गेज के में पत्ती में कितना कोण होता है, जो क्वेश्चन नंबर 34 है सेंटर गेज के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
वो हो जाएगा 60, 55, 47.5, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे, स्लिप गेज को किस नाम से जाना जाता है, मतलब अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो 35 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जॉनसन गेज भी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे, किस गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बेवल गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किस गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सेंटर गेज। ठीक है, गेज बना होता है, क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा HSS, ऑप्शन ए, हाई स्पीड स्टील के ही बन जाते हैं गेज, क्योंकि हमें दोस्तों कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, गेज उत्पादन दर को बढ़ाता है घटाता है, तो सबको पता होगा कि ये बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा गेज का प्रकार नहीं है, तो उसमें ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही होगा, लेकिन हमारा जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, सीमा गेज मतलब लिमिट गेज, रिंग गेज, चूड़ी गेज, पिच गेज मतलब स्क्रू पिच गेज, सारे गेज होते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है वो गलत हो जाएगा, इसलिए वही सही है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर, चूड़ी की माप ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, चूड़ी की जो माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है वो हमारा होता है चूड़ी पिच गेज, स्क्रू पिच गेज, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, टेपर गेज का टेपर होता है, क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 0.3 mm से 4 mm, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे, 3.2 mm से 12.7 mm तक के ब्याज का साइज चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल होल गेज, तो 3.2 से 12.7 तक स्मॉल होल गेज चेक करता है, 12.7 से 152.4 तक करता है टेलीस्कोपिक गेज। ठीक है, काम एक ही होता है लेकिन साइज अलग अलग होते हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ड्रिल को ग्राउंड मतलब ग्राइंड करते समय उसका पॉइंट एंगल क्या होता है, तो जनरल जो एंगल होता है वो हमारा होता है 118 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ड्रिल के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे, किस गेज की सहायता से किसी जॉब का मेल अथवा फीमेल बनाया जाता है, तो 45 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, प्रोफाइल गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉनसन गेज कहा जाता है, जो जॉनसन गेज कहा जाता है वो हमारा स्लिप गेज को ही कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे, बी ग्रेड गेज सेट कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग गेज सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे, गेज ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है, जो गेज ब्लॉक होता है उसका दूसरा नाम होता है हमारा स्लिप गेज ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, फिलर गेज की पत्तियाँ बनी होती हैं, जो फिलर गेज की पत्तियाँ बनी होती हैं वो हमारी कार्बन स्टील की बनी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे, निम्न में से किसमें रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है, जो रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है वो हमारा प्लेन रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, थ्रेड रिंग गेज सभी में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, वर्कशॉप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, इंस्पेक्शन गेज। ठीक है, वर्कशॉप गेज की सुविधा के लिए इंस्पेक्शन गेज को चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे, इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो जिसमें एक से ऊपर एक होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेफरेंस गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता में निम्न में से क्या होती है, तो इसकी जो परिशुद्धता एक्यूरेसी होती है वो हमारी 0.1 mm होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर 54 बोला था लेकिन ऑप्शन लगा दिया क्वेश्चन नंबर 55 में, तो बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 में। और क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता होती है, तो इसकी जो परिशुद्धता होती है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी 0.001 mm। और मास्टर गेज की परिशुद्धता निम्न में से क्या होती है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 0.0001 mm। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्कशॉप में होता है उसमें जीरो मतलब एक जीरो होता है आगे, उसमें इंस्पेक्शन में 2 जीरो होते हैं, मास्टर गेज में 3 जीरो आगे होते हैं, बस इतना ध्यान रखिए आप, एक ट्रिक बन जाती है आपकी। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 मतलब 57 है, निम्न में से किस गेज का प्रयोग छोटे छोटे सुराखों का साइज चेक करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्मॉल होल गेज। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे, बी आई एस के अनुसार निम्न में से कौन सा स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड है, तो 58 का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ग्रेड 0, 1, 2 सभी हो जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, फिलर गेज किस इकाई में मापता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंच में भी और एमएम में भी दोनों में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे, अंदरूनी आकार को मापने बाद चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो अंदरूनी जो आकार को मापने के लिए हमारा किया जाता है वो टेलीस्कोपिक गेज का किया जाता है, क्योंकि बोर का अंदरूनी साइज उसी से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, टेलीस्कोपिक गेज। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, निम्न में से किस गेज का प्रयोग ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज के कोनों को चेक करने के लिए किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ड्रिल एंगल गेज। ठीक है, ड्रिल जिसे पॉइंट एंगल गेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62, थिकनेस या क्लियरेंस गेज किस गेज को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिलर गेज। ठीक है, फिलर गेज को ही थिकनेस गेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे, कंट्रोल गेज कहते हैं, कंट्रोल गेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मास्टर गेज को। ठीक है, कि यही सबको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 64 फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है, जो फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है वो हमारा मिलने वाले पार्ट्स के मतलब बीच में गैप चेक करने के लिए जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, गेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही बात है, तो इसके ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का ए, गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे, निम्न में से किस कार्य के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है, जो फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटिंग पार्ट्स के बीच में गैप चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस कार्य के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है, जो सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए। दोस्तों किसी ने आप लोगों ने अगर लेथ मशीन चलाई होगी तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे, 68 खराद के थ्रेडिंग टूल को 60 डिग्री कोण को परिशुद्धता में चेक करने किस गेज का प्रयोग किया जाता करने के लिए, मतलब 68 यहाँ पे उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, सेंटर गेज। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कार के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो 69 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेंटर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70, निम्न में से क्या चेक करने के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है, तो 70 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिंड्रिकल पार्ट्स के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पे, निम्न में से किस कार के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, तो थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं वो हमारा बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72, निम्न में से किस कार के लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, जो टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं वो बाहरी टेपर को चेक करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस गेज का प्रयोग अंदरूनी बड़े व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है, तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेलीस्कोपिक गेज। 74 है क्वेश्चन, गेज का उपयोग करने से कार्य क्षमता प्रभावित आगे क्या होता है आगे, तो 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, गेज का उपयोग करने से कार्य क्षमता प्रभावित होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
सिंपल क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन फिलहाल आते नहीं हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडर को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ना रखा जाए। तो जो 75 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पायलट गेज। क्वेश्चन नंबर 76 है सही क्रम है, तो सही क्रम है सबको पता होगा कि सबसे बड़ा अच्छा गेज कौन सा होता है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से सबसे अच्छा सबसे लोअर से चलना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पहले वर्कशॉप गेज, ठीक है, फिर इंस्पेक्शन, फिर रेफरेंस गेज जिसे मास्टर गेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पे किसी एडजस्टेबल स्नैप गेज में दो एडजस्टेबल जबड़े होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक ही साइड पर। क्वेश्चन नंबर 78 है, यहाँ पे रेफरेंस गेज की परिशुद्धता होती है, तो 78 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमने बताया था 0.0001, मतलब 30 होंगे आगे। 79 है क्वेश्चन नंबर, सीमा स्नैप गेज का आकार होता है, सीमा स्नैप गेज मतलब लिमिट गेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें यू आकार की शेप दे रखी होती है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे वर्कशॉप में साधारण कार्य करने के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड 2, मतलब सेकेंड होती है, क्योंकि 0 होती है, फिर 0.0 होती है, फिर फर्स्ट होती है, फिर सेकेंड होती है, सबसे लास्ट वाली हम वर्कशॉप में उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे स्लिप गेजों की जो हार्डनेस होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 63 HRC से अधिक। तो ए क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 82, ग्रेड फर्स्ट की स्लिप गेजें प्रयोग में लाई जाती हैं, तो ग्रेड फर्स्ट की जो स्लिप गेजें होती हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं मास्टर गेज सेट के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके 1 से लगे 82 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप मतलब गेज से पूरे गेज चैप्टर के पूरा यहाँ पे निचोड़ हो चुका है। आपने अगर गेज चैप्टर पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सभी प्रकार के गेज इसमें सम्मिलित है, सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपको अब अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। आशा करते हैं इसको पढ़ के आप गेज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को पूरा आप देखें, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपके लिए हम क्या लाते हैं। और इस जो चैनल पर नए हैं हमारे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।